सो गाइस, मेरे पीछे है होटल ज़िवोरा, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट होटल, और आज मेरा स्टे है उसमें। चलते हैं फटाफट। हेलो, आई हैव माय बुकिंग फॉर टुडे। बुकिंग प्लीज सर। मैं फास्ट कर रहा हूं। या श्योर। सो ज़िवोरा इज स्टिल द टॉलेस्ट होटल? यस सर, आ सकता है। जस्ट गिव मी अ टाइम फॉर द एक्नॉलेजमेंट प्लीज। And regarding for a check-in time, that will be at 3 p.m. But however, I'm going to give you a free early check-in now. Free early check-in? Yes. Yeah. And then for the check-out time, that will be at 12. After 12, that will be automatically chargeable. It will be sent to your room. Okay. Thank you. Thank you. So, मिल गया है मुझे 63 floor पे room. तो यहाँ पर फ्लोर के हिसाब से लिफ्ट है, तो 43 से 71 तक जाना तो ये वाली लिफ्ट लेना है। How many floor does this hotel have? 75. 75. All in all 75. So what's up guys, welcome to ज़िवोरा hotel, and this hotel still holds the record of the tallest hotel in the world। और मैं इस समय 63rd floor पर हूँ, तो मेरा room number जो मुझे मिला है वो 6305, और मैं pay कर रहा हूँ। as usual solo travel करता हूँ तो सब कुछ महंगा है मेरे लिए, तो लगभग 6000 रुपये एक दिन के लगे हैं। Could you imagine? और बाहर से नज़ारा बहुत सही दिख रहा, तो फटाफट अभी ready होंगे हम और शाम को जाएंगे बुर्ज खलीफा। उससे पहले जाते हैं स्विमिंग पूल और दिखाते हैं आपको कि यहाँ का स्विमिंग पूल कैसा है। ठीक है, तो रेडी रहिए आप लोग। तो गाइस, फिर अब चलना है स्विमिंग पूल और चलते हैं, और ये बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा ज़िवोरा के 63rd फ्लोर से। भाई ये लिफ्ट है या मालगाड़ी, हर फ्लोर पर रुकते रुकते आ रही, कभी कोई इधर से उधर जा रहा है। ओ भाई, मैं तब से 4-5 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ कि 12th फ्लोर पर पहुंच जाऊँ, 63 फ्लोर से अभी तक नहीं आया। या श्योर श्योर, कम कम। देखा ना, ऐसा ही हो रहा है, हर फ्लोर पे कोई आ रहा है, कैन आई कम सर। और तो स्विमिंग पूल का रास्ता इस तरफ से, और ये है एक ब्रिज सा है, देख लो भाई दोनों तरफ नज़ारे देख लेते हैं। ये इस तरह से और इधर से ये वाला नज़ारे, उतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, बाहर से गंदा शीशे। तो चलते हैं फिर स्विमिंग पूल के अंदर। अरे चश्मा तो उतारने भूल गया। तो फिर चलते हैं स्विमिंग पूल के अंदर। तो भाई रेगिस्तान के बीच में भी स्विमिंग पूल का मजा अलग ही है कुछ। गाइस, जो आपने देखा वो था स्विमिंग पूल और वहाँ से उसका दृश्य, और अभी मैं रूम में आ गया हूँ, तो एक रूम का टूर तो होना ही चाहिए भाई, बनता ही है। तो सबसे पहले एक कोने से स्टार्ट करते हैं क्योंकि रूम बहुत बड़ा है, और एक आदमी के लिए तो भाई बहुत ही बड़ा है। फोकस से क्यों हट जा रहा है। सबसे पहले बाहर कुछ ऐसा नज़ारा जो कि मैं दिखाता हूँ। ये रहा बाहर का नज़ारा, वो क्या नज़ारा है भाई। जब देखो तभी अच्छा लगता है।
दूर तक सब कुछ दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। फिलहाल तो ये था यहाँ से नज़ारा, और इधर से भी पर्दे लगे हुए हैं, इधर से भी चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो इधर से कुछ खास नहीं दिख रहा है, खिड़की दरवाजे जो शीशे हैं वो गंदे हैं बाहर से। और ये रही बड़ी सी टीवी, अभी तो ये चल रही थी, बंद कैसे हो गई, तो उसको चलाते हैं रिमोट से। तो जब तक स्टार्ट हो रही तब तक और दिखाता हूँ। ये एक डबल बेड और ये कुछ अलमीरा दिया है, इसके अंदर चेक करते हैं क्या है। वो एक लॉकर दिया है और आयरन करने के लिए दिया हुआ है, बाथरूम दिया हुआ है, स्लीपर्स दिए हुए हैं बाथरूम के, और लॉन्ड्री के लिए भी दे सकते हैं। ये एक मिरर और तो कुछ नहीं। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर ये किचन दिया हुआ है इन्होंने, तो किचन में मैं बना रहा हूँ इस समय टी और चार बॉटल पानी की कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी इसमें। और इधर है टॉयलेट, तो इधर दिया बाथटब। और आ जाते हैं बाहर, ओके ये है फ्रिज। और ये लाइटिंग्स पूरी टच है, जैसे ये बंद हो गया, यहाँ टच करेंगे तो खुल जाएगा, सबका बंद करना है तो ये कर दिया बंद, इसको टच कर दिया ऑन हो गया। और इधर मेरा कुछ फालतू सा सामान, और चलते हैं इधर। एक और मस्त चीज़ है कि इधर एक और टॉयलेट है, अगर भाई किसी को बहुत जल्दी हो तो भाई यहाँ पर जा सकता है। और तो इधर भी बहुत छोटा सा है ये। और हाँ हमारी टीवी भी हो गई तब तक स्टार्ट। तो ये जो जिवोरा होटल है ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट होटल है, और अभी तक तो टॉलेस्ट ही है। तो गाइस देखा आपने, ये एक बहुत ही छोटा सा टूर इस बड़े से रूम का, जहाँ किचन है, दो टॉयलेट है, एक बड़ी सी टीवी शानदार जिसको चलाने का मुझे मौका मिलेगा ही नहीं, और एक ये सोलो ट्रेवलर के लिए डबल बिस्तर, क्या ही करें अकेला बिस्तर में। तो बस यही था इसका टूर, और भी मैं चीज़ें दिखाता हूँ क्या है इस होटल में ऊपर से नीचे तक। बाकी ये पासपोर्ट कवर यहाँ दिख गया तो मैंने दिखा दिया आपको, ये मैंने लिया था यात्री डॉक्टर की साइट से जाके बस। और स्टाफ काफ़ी अच्छे हैं, बार बार कॉल करके पूछे कि भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, ऑब्वियसली पूछेंगे ही, इनको अपनी रेपुटेशन जो मेंटेन करनी है। फिलहाल मैं एक ही दिन रुकूंगा क्योंकि मुझे बस यहाँ के मज़े लेना था कि कैसा है, एक्सपीरियंस करना था, क्योंकि भाई दुबई आए तो सब कुछ एक्सपीरियंस करके जाएंगे ही। तो तब तक देखते हैं हमारी चाय वाय बनाते हैं, चाय कॉफ़ी जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। और आज शाम को, हाँ आज शाम को मेरा बुर्ज खलीफा का प्रोग्राम भी है, तो उधर जाने के लिए भी मुझे रेडी होना है थोड़ी देर में। तो बस पानी गर्म हो रहा है, देखते हैं चाय बनाते हैं, कॉफी देखते हैं क्या बनाते हैं, सोच रहा हूँ चाय बना के पीता हूँ उस समय। व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर ट्राई करते हैं, क्योंकि ब्राउन शुगर क्या है वो ज्यादा अच्छी होती है, व्हाइट शुगर उतना अच्छा नहीं होता। काम लायक तो बनी गई है चाय, भले बहुत अच्छी चाय नहीं बनी है लेकिन बन गई कुछ। वो भाई एक सीक्रेट चीज मिला है मुझे, जिहोरा में जो भी है रुकने इस कार म्यूजियम को जरूर विजिट करें यार, इस पे देखो बैटमैन की वाली कार भी है यार, हद हो गई भाई, बड़ा सही है। और रेसिंग कार है F1 वाली, द लैम्बोर्गिनी है, वाह मज़ा आ गया यार। और कुछ पुरानी कारें हैं वहाँ पर। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो यार थम्स अप देना वीडियो को और सब्सक्राइब करना चैनल को। बाकी मैं और देखता हूँ इस होटल में क्या क्या करने को है, ये सिर्फ गेस्ट के लिए है।
तो ये चीज़ अच्छा है कि आप कार देख सकते हैं, यहाँ पर लग्जरियस कार खड़ी है पूरी लाइन से। तो शुरू करते हैं एक तरफ से दिखाना। वैसे तो मुझे कार का इतना शौक़ है नहीं और मुझे जानकारी भी नहीं, तो माफ़ करना भाई अगर कुछ कम बताया तो। अच्छा नीचे भी इधर, ये इस मूवी में ये कार यूज़ हुई थी। डॉज चैलेंजर 1971 में फोर्ड की मस्टैंग मैक 1, और एक यहाँ पर इनविजिबल कार खड़ी है, वो एक तरह का चश्मा लगा के तभी दिखती है। और ये कुछ अजीब सी कार, ये क्या है इस कार के ऊपर? और ये शेवरले की है S10, ये मॉन्स्टर ट्रक टाइप लग रही है। ओ भाई ये देखो इधर, ये तो मिस ही हो रहा था अगर मैं वो एक साइन बोर्ड ना देखता कि यहाँ पर कोई म्यूजियम है। और यहाँ पर आगे लैम्बोर्गिनी, साफ कर रहे हैं यहाँ पर गाड़ियों को। तो गाइस ये है कुछ गाड़ियाँ, और इसके ऊपर जो है ना, उधर जो इसके ऊपर है वहाँ पर है बैटमैन की गाड़ी। सबसे पहले इसको चलते हैं वहाँ पर और कुछ फोटो खींचते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है यार देख के। चलो रे भाई, तो ये रही कुछ फोर्ड की गाड़ी, बहुत पुरानी है, सब में फोर्ड लिखा हुआ है। क्या फायर ब्रिगेड है क्या? 1926 फोर्ड मॉडल। यहाँ एक गाड़ी नहीं दिखी, मिस्टर बीन की गाड़ी। मैसेराटी, और ये रही जगुआर। और सबसे खास, बैटमैन इज हियर, कूल। और ये कुछ F1 रेसिंग वाली गाड़ियाँ। इधर एक और है इनविजिबल कार, स्पेशली इसको टच नहीं करना है यहाँ बोला। तो खत्म हो गया अपना ये छोटा सा टूर, और चलते हैं बैटमोबाइल के पास कुछ फोटो खिंचाते हैं। तो गाइस अगर आप भी जीवोरा में स्टे कर रहे हो मेरी तरह, तो ये जो जगह है ये मिस मत करना। एक और बोनस है आपके रुकने में जीवोरा में, तो आप चाहो तो इससे अच्छी अच्छी फ़ोटो उठा सकते हो, और बाकी भी गाड़ियों के साथ आप उठा सकते हो फ़ोटो। तो एक तरह से ये एक सीक्रेट चीज़ है जो जीवोरा में स्टे करता सिर्फ उसके लिए है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी दुबई की, हर जगह की, जहाँ की भी आती रहेगी। और अब चलते हैं आगे, देखते हैं, क्योंकि अभी हमको जाना है बुर्ज खलीफा। एंड आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर अभी बैटमैन भी यहाँ दिख जाए, तो दुबई में कुछ भी हो सकता है। जोकर ना यार, बस वो खतरनाक है अभी। चलते हैं, खैर ये सब खत्म हो गई बात, चलते हैं। अभी हम लोग को जाना है बुर्ज खलीफा देखने, तो रात के 7 बजने वाले हैं, तो चलते हैं फटाफट, क्योंकि बुकिंग भी है मेरी वहां पर। तो जी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट होटल जीवोरा के 63rd फ्लोर से रात के 2 बजे का कुछ सीन ऐसा है। अभी तो सामने वाले में लाइट भी जल रही थी, वो तो बंद हो गई।